नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मैथ फॉर यू में। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनके फिक्स एंगल्स जो हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री कितना होता है। ये जो एंगल्स होते हैं आपके स्पेसिफिक एंगल्स जो फिक्स एंगल्स होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और ये है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पर मैंने इंडिकेट करा है एंगल्स को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब देखिए, आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यूज याद करने की ज़रूरत है। साइन 0 डिग्री जो है वो आपका 0 होगा, साइन 30 डिग्री जो है जैसे कि आप देख रहे हैं साइन थीटा और यहाँ पर 30 डिग्री। अगर आप इसको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में देखेंगे तो साइन 30 डिग्री जो है वो आपका 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री जो है वो 1/√2 होगा, साइन 60 डिग्री जो है वो √3/2 होगा और साइन 90 डिग्री जो है वो 1 होगा। आपको सिर्फ साइन की वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत है। देखिए, आप कॉस की वैल्यूज़ जो है इस लाइन को अगर आप उल्टा लिखेंगे 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और 0, तो आप पूरी की पूरी कॉस की वैल्यूज लिख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं 1√3/2, आप इस लाइन को, साइन वाली लाइन को सिर्फ उल्टा लिख रहे हैं यहाँ पर, और आप ये देख पा रहे हैं कि आप कॉस की पूरी वैल्यूज लिख पा रहे हैं। तो आपको साइन लिखने के बाद कॉस आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। अब आपको टेन थीटा की वैल्यू लिखनी है। तो आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया है, टेन थीटा जो है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है। तो आप देखेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो टेन थीटा जो है वो टेन 0 डिग्री है आपका, 0 डिवाइडेड बाय 1 जो कि 0 हो गया है। टेन 30 डिग्री जो है वो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 यानी कि 1/√3 हो गया है। टेन थीटा जो है 45 डिग्री यानी कि टेन 45 डिग्री जो है 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, तो वो 1 हो गया है। और आपका टेन 60 डिग्री जो है वो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 जो कि आपका √3 हो गया है। आपका टेन 90 डिग्री जो है वो 1/0 है, और कोई भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो एक इनफाइनाइट नंबर यानी कि इन्फिनिटी आता है। तो आप इस तरह से पूरी की पूरी 10 की वैल्यूज लिख सकते हैं। अब आप लिख रहे हैं कॉसेक की वैल्यू। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया, कोसेक थीटा जो है वो 1/sin थीटा होता है, तो यानी कि आपका कोसेक 0 जो है वो 1/0 होगा, यानी कि एक इनफाइनाइट नंबर। कोसेक 30 जो है वो 1/1/2 यानी कि 2 हो गया है। कोसेक 45 डिग्री जो है वो 1/1/2 यानी कि √2 हो गया है। कोसेक 60 डिग्री जो है आपका वो 60 डिग्री जो है आपका वो हो गया 1/√3/2 यानी कि 2/√3। और जो आपका कोसेक 90 डिग्री है वो है आपका 1/1 यानी कि 1 ही आ जाएगा आपका। अब आप सेक की वैल्यूज देखेंगे। यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर सेक की वैल्यू है, सेक थीटा जो होता है वो आपका 1/cos थीटा होता है। तो आप यहाँ पर सेक थीटा यानी सेक 0 डिग्री यानी कि 1/1, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 1। सेक 30 डिग्री जो है वो आपका आएगा 1/√3/2 यानी कि 2/√3। सेक 45 डिग्री जो है वो आपका आएगा 1/1/√2 यानी कि √2। सेक 60 डिग्री आपका आएगा 1/1/2 यानी कि 2। और सेक 90 डिग्री आपका आएगा 1/0 यानी कि एक इनफाइनाइट नंबर, इन्फिनिटी। अब आप कॉट थीटा को देखेंगे। कॉट थीटा जो है वो आपका 1/10 थीटा होता है। तो यहाँ पर आपका कॉट 0 जो है वो 1/0 यानी कि एक इनफाइनाइट नंबर, इन्फिनिटी आ गया है। कॉट 30 डिग्री जो है आपका वो आपका 1/1/√3 यानी कि √3 आ चुका है। कॉट 45 डिग्री 1/1 यानी कि 1 आ चुका है। और कॉट 60 डिग्री आपका 1/√3 आ गया है। और कॉट 90 डिग्री जो है आपका वो आपका आया है 1/∞। 1/ एनी नंबर डिवाइडिंग बाय इन्फिनिटी जो होता है वो आपका 0 होता है।
तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और स्टैंडर्ड एंगल्स जानने के लिए आपको सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल्स को जानना है। एक किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यहाँ पर साइन थीटा ले रहे हैं, आप साइन थीटा की हेल्प से ये पूरा का पूरा लिखिए, आप ये एक लाइन याद कीजिए और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आप सबके सब फॉर्म वो सबके सब आप इसी लाइन से कंक्लूड कर सकते हैं। एक बहुत ही आसान तरीका है, इसे आप यूज़ कीजिए और अपने प्रॉब्लम्स में अप्लाई कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।